चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेसर्स केदार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 7,50,000 रुपीज एज ऑन 31 मार्च 2017. ठीक है. सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ बुक्स. Purchases for the year included 30,000 rupees paid for new electric fittings for the shop. Okay. तो error हो गया, purchases में 30,000 रुपए, asset वाला value purchases में ही जोड़ा हुआ है, तो इसको minus करना होगा. Messrs. Kedar gave away goods valued at 80,000 rupees as free samples for which no entry was made in the books of accounts. तो इसके लिए entry pass करनी पड़ेगी. Invoices for goods amounting to 5 lakh rupees have been entered on 27th March 17, but the goods were not included in the stock. Okay. In March 2017, goods of 4 lakh rupees sold and delivered were taken in the sales for April 2017. Okay. Goods costing 1.5 lakh rupees were sent on sale or return in March 17 at a margin of profit of 33.13% on cost. Oho. Margin bhi diya hua hai aur cost on cost bhi bataya hua hai. To institute jo hai apna, wo kabhi kabhi markup aur margin mein confuse ho jata hai. Kyunki maine aap logon ko bataya tha ki markup cost ke liye use hota hai aur margin sales ke liye use hota hai. To most of the times to institute sahi likhega, markup cost pe markup likhega, sales pe margin likhega. Kabhi kabhi ye confuse ho jata hai. To aise case mein apne ko kya karna hai, hum logon ko ye karna hai ki 33.13% on cost diya hua hai, to hum log on cost maan ke chalenge. ठीक है. मार्कअप मार्जिन वर्ड्स में हमें पढ़ना ही नहीं है. साफ साफ दिया हुआ है ना, 33.33 1/3% ऑन कॉस्ट. तो ठीक है. दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 17, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2017. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 17 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2017. ओके, आसान क्वेश्चन है काफी. आइए इसको करते हैं. थोड़ा डिफरेंट है, जितना भी हम लोगों ने किया है उससे थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो आ जाओ इसको करते हैं. हम लोगों से ये कह रहा है कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बताओ. तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बताने के लिए हम लोगों को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा. आइए सर बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपए, पर्टिकुलर्स रुपए, ठीक है सर. ओके, नेट प्रॉफिट इसने बताया हुआ है, इसने बताया कि नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए का है. ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, जो अपना नॉर्मल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये आप लोगों को नहीं बनाना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूं. ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ये आप लोगों को नहीं बनाना है. ठीक है, यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है. राइट, अब देखो, फिर यहां पर आता है आपका कहीं पर टू नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए, यही आया होगा. ठीक है, यही आया होगा. अभी जो 8 लाख रुपए, ये क्या है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस ही तो है जो कि कैरीड डाउन होकर यहां पर आ रहा है. ठीक है ना, ये अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है जो कैरीड डाउन होकर यहां पर आ रहा है. तो अगर इसमें हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो हम अपने एडजस्टमेंट में लिखेंगे यहां पर बाई नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए. ठीक है, समझ में आ रहा है यहां पर बाई नेट प्रॉफिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर टू नेट प्रॉफिट आया होगा, विच इज बेसिकली द क्रेडिट बैलेंस कैरीड डाउन. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाई नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए. ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए. अब आ जाओ देखो क्या क्या हुआ है. सबसे पहले कह रहे हैं purchases for the year included 30,000 paid for new electric fittings for the shop. अच्छा, purchases में electric fittings को जोड़ा हुआ है, तो यहां पर जो purchases हुई होंगी, यहां पर two purchases हुई होंगी, इसमें electric fittings का amount भी जोड़ा हुआ है. तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हम लिखेंगे buy electric fittings. ठीक है ना, तो यहां लिखो buy electric fittings. इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को तो अकाउंट करना ही पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है वो आपका एसेट हुआ ना,
इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपका नॉन करंट एसेट हुआ, राइट। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए जब आपको आपने 30,000 रुपए का खर्चा किया तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, मतलब कौन सी एंट्री पास करनी चाहिए थी? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, ये आपको करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी, आपने गलती से कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 30,000, और उसके बाद इसको आप मतलब फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 30,000 रेक्टिफाइंग एंट्री आप इसका और इसका मर्जर करोगे, ठीक है। तो देखो टू बैंक कट, बैंक डेबिट कट, तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये हम लोग बुक्स की क्लोजिंग के बाद कर रहे हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स हो रहा है ना, ये 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर दी गई, उसके बाद है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, तो जो भी अपने ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनकी जगह पर हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं, ठीक है, उनकी जगह पर हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट करते हैं। तो वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये देखो यहीं पर आया, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 30,000 रुपए, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया ये, when final accounts are already prepared and उसके बाद हम लोग errors को rectify करते हैं, तो जितने भी nominal accounts होते हैं या जितने भी expense और revenue वाले accounts होते हैं उनकी जगह पर हम लोग P&L adjustment कर देते हैं। तो यहाँ पर rectification के concepts के हिसाब से electric fittings account debit to P&L adjustment account journal entry pass करनी चाहिए थी, हम लोग P&L adjustment बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने buy electric fittings लिख दिया 30,000, ठीक है। Messrs. Kedar gave away goods valued at 80,000 rupees as free samples for which no entry was made in the books of accounts. Okay. Messrs. Kedar gave away goods valued at 80,000 rupees as free samples for which no entry was made in the books of accounts. अच्छा, अगर advertisement वाली entry हम लोग pass करते तो हम लोग क्या करते? अगर advertisement वाली entry हम लोग pass करते हैं तो कौन सी entry pass करते? अगर एडवर्टीजमेंट की हम लोग एंट्री पास करनी होती तो हम लोग क्या करते? टू परचेजेस यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के आता है, टू परचेजेस, इसमें से हम लोग क्या लेस करते? एडवर्टीजमेंट, इसमें से हम लोग लेस करते एडवर्टीजमेंट, और यहां पर पीएनएल में हम करते टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, हम लोग पीएनएल में करते टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 80,000, और यहां परचेजेस में से माइनस करते एडवर्टीजमेंट 80,000, ठीक है। परचेजेस में से लेस एडवर्टीजमेंट करो, या आप यहां पर लिख लो बाय एडवर्टीजमेंट 80,000, बात एक ही है, ठीक है। या तो आप यहां से लेस करो या आप यहां पर दिखा दो बाय एडवर्टीजमेंट 80,000, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट 80,000 का ओमिशन है, इससे क्या क्या एंट्रीज आएंगी हमारी? एक तो ये आएगा बाय एडवर्टीजमेंट, और एक ये आएगा टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो आप इसको करते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट में, पहले तो करेंगे बाय एडवर्टीजमेंट, ठीक है, बाय एडवर्टीजमेंट सैंपल्स 80,000, और उसके बाद टू एडवर्टीजमेंट आईओपी समझ में आ रहा है। एडवर्टीजमेंट जब भी होता है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से होता है? एक तो परचेजेस से लेस करके दिखाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर दिखाते हैं, ठीक है। तो या तो आप परचेजेस से लेस करके दिखा दो या बाय एडवर्टीजमेंट दिखा दो, बात एक ही है। तो बेसिकली जो इफेक्ट आया, एक्चुअली ये तो इफेक्ट दोनों का नलिफाई हो रहा है, लेकिन हम लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना पी एंड एल एडजस्टमेंट में। तो बाय एडवर्टीजमेंट 80,000, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 80,000, तो हम लोगों ने इसी को पी एंड एल एडजस्टमेंट में कर दिया, बाय एडवर्टीजमेंट सैंपल्स 80,000, टू एडवर्टीजमेंट सैंपल्स 80,000, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 5 lakh rupees हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th March 2017 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अच्छा, मतलब हम लोगों ने 5 lakh rupees की परचेजेस की, 5 lakh rupees की परचेजेस की तो उसको स्टॉक में लाना चाहिए था, ठीक है। तो उसको स्टॉक में हम लोग लाए नहीं पहले, तो भाई स्टॉक में ले आओ। स्टॉक में आप किस तरह से लाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां पर ये करते हो ना, बाई स्टॉक,
ट्रेडिंग अकाउंट में आप इस तरह से करते हो ना, बाई स्टॉक, तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट में कर दो बाई स्टॉक, इनवॉइसेस एंटर्ड बट गुड्स नॉट इंक्लूडेड 5 लाख, यस 5 लाख, पांच लाख, ठीक है। तो बाई स्टॉक इनवॉइसेज एंटर्ड बट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, 5 लाख रुपए आपने यहां पर लिख लिया, तो स्टॉक आपने रिकग्नाइज कर लिया पीएनएल एडजस्टमेंट में 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट, इन मार्च 17 गुड्स ऑफ 4 लाख रुपए सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2017। भाई ये तो बहुत गलत बात है। In March 17, goods of 4 lakh rupees sold and delivered were taken in the sales for April 2017. तो गलत बात है। March की sales में लो ना 4 lakh रुपए को। इस 4 lakh रुपए को March की sales में लो आप। तो March की sales में आप कैसे लेते हो? Trading account में यहाँ पर buy sales account करते हो? तो आप यहाँ पर P&L adjustment account में buy sales account करो। 4 lakh रुपए, ठीक है? लिखो। Goods sold in March, goods sold in March but taken in sales for April, goods sold in March but taken in sales for April 4 lakh rupees, गुड सोल्ड इन मार्च बट टेकन फॉर सेल्स इन अप्रैल, टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल 4 लाख रुपए। इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 17 एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33.13% ऑन कॉस्ट, अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 17 एंड दीज सेल्स वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2017। बहुत गलत बात है। अच्छा, इसने हम लोगों को कॉस्ट बता दिया गुड्स का 1.5 लाख रुपए, तो ये काम तो कम से कम अच्छा किया, ठीक है। अब अगर इसने मार्च में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस किया 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट का, तो इसकी सेल वैल्यू कितनी आएगी? इसकी सेल वैल्यू कितनी आएगी सर? इसकी सेल वैल्यू, चलो मैं इसको लिख के बताता हूं। इसने मार्च में कभी क्या किया होगा? इसने मार्च में कभी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट थी, 1/3 प्रॉफिट था, तो 1.5 लाख बाई 3 प्रॉफिट था 50,000 प्लस 1.5 लाख आया आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का माल इसने मार्च में अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे भेजा था, ठीक है। 2 लाख रुपए का माल इसने मार्च में अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे भेजा था, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल 17, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 17। अच्छा, तो अप्रूवल गिवन था अप्रैल में, अप्रैल में कस्टमर्स ने अप्रूवल दिया कि हाँ भाई हम आपका गुड्स खरीदेंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने मार्च में ही उसको सेल्स माना था। मतलब क्या हुआ कि इसने ये वाली जो एंट्री की, इसने जो ये वाली एंट्री की, बस यही इसने फाइनल एंट्री कर दी। 31 मार्च को कायदे से इसको दो एंट्रीज करनी चाहिए थी ना, एक तो इसको करना चाहिए था सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट 2 लाख, ठीक है, और इसे करना चाहिए था स्टॉक विद कस्टमर्स डेबिट 1.5 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट 1.5 लाख। ये दोनों एंट्रीज इसने पास नहीं की, ये दोनों एंट्रीज इसने पास ही नहीं की, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पर बाई सेल्स 2 लाख रुपए दिख रहा है, मतलब यही हुआ ना, ये वाली जब एंट्री इसने पास की कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये वाला जो सेल्स वाला अमाउंट है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा, बाई सेल्स 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आओ पहले तो इसको रिवर्स करें, तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, टू सेल्स, इसको रिवर्स करने के लिए यही तो करेंगे, टू सेल्स 2 लाख रुपए, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और
return basis, approval given on approval given in April. Approval given in April. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है. जब इसने एंट्री पास की कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तब वो जो सेल्स है वो तो इसके ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर 2,00,000 रुपए से दिख रहा है ना. तो हमें पहले तो इस सेल्स को रिवर्स करना है. तो इसको रिवर्स करने के लिए हमने पीएनएल एडजस्टमेंट में यहां पर कर दिया टू सेल्स 2,00,000 रुपए. गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल गिवन इन अप्रैल. तो पहले तो हम लोगों ने टू सेल्स अकाउंट कर दिया. पहले हम लोगों ने यहां पर टू सेल्स कर दिया, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल गिवन इन अप्रैल. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक को रिकॉग्नाइज करना था. ये 1,50,000 रुपए का स्टॉक, ये भी तो हमें रिकॉग्नाइज करना था. तो इसको रिकॉग्नाइज करते अगर हम लोग सही कर रहे, सही एंट्री अगर की होती, तो ये वाला जो स्टॉक था ट्रेडिंग अकाउंट में, इसी में हम ऐड करते स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स. इसी में हम लोग ऐड करते स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स. ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही बाई स्टॉक में ऐड करते हम लोग. तो अब आ जाओ इसको बाई पीएनएल, इसको पीएनएल में कर देते हैं, इसको पीएनएल अकाउंट में करते हैं. बाई स्टॉक, स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर्स 1,50,000 रुपए. ठीक है, अच्छा ये 2,00,000 रुपए यहां पर कैसे आया ना, इसके लिए आप लोग लिख लो यहां पर 1,50,000 प्लस 1/3 ऑफ 1,50,000. ठीक है, बाद में नहीं तो कंफ्यूजन आएगा कि 2,00,000 रुपए कहां से आया. तो बाई स्टॉक, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जो गुड्स हम लोगों ने अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे भेजे थे उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सेल्स को रिवर्स करते हैं, वो हमने यहां से कर दिया टू सेल्स 2,00,000 रुपए. स्टॉक को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो हमने कर दिया बाई स्टॉक, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स 1,50,000 रुपए. बाई स्टॉक, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स 1,50,000 रुपए. नेक्स्ट, बस क्वेश्चन खत्म. अरे वाह, तो आ जाओ सर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं. यह आएगा हमारा टू एडजस्टेड प्रॉफिट. ठीक है, राइट साइड का टोटल कितना, 8,00,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 5,00,000 प्लस 4,00,000 प्लस 1,50,000, 19,60,000 माइनस 80,000 माइनस 2,00,000, तो यह 16,80,000 हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट. ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट आया 16,80,000 रुपीज. एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 16,80,000 रुपीज. एडजस्टेड प्रॉफिट केम टू 16,80,000 रुपीज. अब हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, तो आओ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं. यहां करता हूं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 2017. पर्टिकुलर्स, रुपए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 2017, पर्टिकुलर्स, रुपए, स्टॉक एज ऑन 31st March 2017. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,00,000 रुपए, नहीं पता नहीं कितना है, क्वेश्चन में कितना स्टॉक दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया 7,50,000 रुपए. आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 7,50,000 रुपए. ठीक है, 7,50,000 रुपए स्टॉक एज ऑन 31st March 2017 जो गिवन है वो है 7,50,000 रुपए.
स्टॉक एज ऑन 31st March 17 जो कि गिवन है वो है 7.5 लाख रुपए। स्टॉक एज ऑन 31st March 17 जो कि गिवन है वो है 7.5 लाख रुपए। अब आप अपने P&L एडजस्टमेंट में देखो आपने कितनी बार स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया है, कितनी बार क्रेडिट किया है। आपने स्टॉक अकाउंट को दो बार क्रेडिट डेबिट किया है, एक ये 5 लाख रुपए से यहाँ पर इनवॉइसेज एंटर्ड बट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, और एक ये 1.5 लाख रुपए यहाँ पर स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स। ठीक है, तो अब बस इसको कर लो। ये 5 लाख रुपए कौन सा वाला था, ये 5 लाख रुपए कौन सा था, भूल गया, यही तो था। Invoices for goods amounting to 5 lakh have been entered on 27th March, but the goods were not included in the stock. तो purchase कर लिया मार्च में बट गुड्स इंक्लूड नहीं किया, तो ठीक है इसको लिख देते हैं, आओ add purchases made in March not included in stock 5 लाख। ठीक है, एड परचेजेस मेड इन मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक 5 लाख रुपए, एड परचेजेस मेड इन स्टॉक नॉट इंक्लूडेड परचेजेस मेड इन मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक 5 लाख रुपए, और ये स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स 1.5 लाख रुपए। स्टॉक लाइंग विद कस्टमर्स 1.5 लाख रुपए, खत्म। 7.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1.5 लाख 14 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 17 14 लाख रुपए। Value of stock as on 31st March 17 came to 14 lakh rupees. Simple tha bahut. Value of stock as on 31st March 17, 14 lakh rupees. ठीक है सर?